नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर आप कैंची धाम जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में वादियों से घिरा एक छोटा सा खूबसूरत स्थान है। इस स्थान पर परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज ने तप किया। यह बाबा का सबसे प्रियतम स्थानों में से एक है। दोस्तों, यहाँ का मौसम साल भर बहुत अच्छा रहता है, इसलिए साल भर श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहती है। इस कारण यहाँ का मौसम बिगड़ सकता है और बारिश के कारण ठंड हो सकती है। इसलिए जब भी कैंची धाम आएँ तो अपने साथ एक स्वेटर ज़रूर लाएँ। कैंची धाम बाबा नीम करौरी की तपोस्थली होने के कारण यह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा वाला स्थान है। यहाँ पर जाने से बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं और लोग यहाँ पर आते रहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैंची धाम का या बाबा नीम करौरी का आश्रम है और इसी आश्रम में वह रहा करते थे। इसी गेट के अंदर से मंदिर तक जाना होता है और सामने हमारे मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। अंदर वीडियो फोटोग्राफी सख्ती से मना है, क्योंकि यह हनुमान जी का और बाबा का परम स्थान है। यहाँ पर श्रद्धालु हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और यह बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा है आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा में रहकर मंदिर में प्रवेश करिए। यह बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी। यह कितना खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा स्थान है। मंदिर के ठीक नीचे कोसी नदी है, यह आप देख रहे हैं। यह कोसी नदी मंदिर के बिल्कुल ठीक नीचे बहती है। यह बहुत ही दुर्लभ स्थान है, इसीलिए यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी देने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैंची धाम जाने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, आप यहां से आसानी से कैंची धाम पहुँच सकते हैं। काठगोदाम से टैक्सी का किराया लगभग 1500 से 2000 रुपए और बस का किराया करीब 120 रुपए लगता है। इस पावन धाम में बहुत सारी अच्छाइयों के साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं को कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि श्रद्धालुओं को ठहरने की उचित व्यवस्था यहाँ पे बहुत कम है। जो भी गेस्ट हाउस यहाँ पर हैं वह बहुत ही महंगे, लगभग 1500 से 2000 रुपए के बीच में आते हैं। मैं इस गुरु कृपा गेस्ट हाउस में रुक ठहरा, जिसका किराया एक रात का करीब 2000 रुपए मुझे चुकाना पड़ा। अभी मैं आपको इसका कमरा भी दिखाऊंगा, लेकिन यह बाबा के स्थान के बिल्कुल समीप है, इसलिए मैंने इसको लेना उचित समझा और कमरे से ही बाबा नीम करौरी के मंदिर के दर्शन होते रहे। यहाँ मैं ठहरा हूँ, आइए मैं आपको रूम तक ले चलता हूँ। ये देखिए हमारे गेस्ट हाउस का ये 202 नंबर हमें अलाट हुआ और 202 नंबर में हम लोग ठहरे। ये हमारा रूम है, ये बहुत ही यहाँ से सुंदर वातावरण देखने को मिलेगा। नीचे कोसी नदी का कलकल करती हुई और सामने बाबा का भव्य मंदिर का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यह रूम है, इसी में हम लोग ठहरे और यह देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा अस्त व्यस्त है, क्योंकि बारिश होने के कारण मैं बिल्कुल भीग चुका था, सारे कपड़े हम लोग सुखा रहे हैं। और ये रूम दो लोगों के ठहरने के लिए बहुत अच्छा है, अगर तीन भी हैं तो बहुत आसानी से यहाँ पे ठहरा जा सकता है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए डोर है, इसको ओपन करते ही बाबा का सामने मंदिर दिखेगा। ये देखिए सामने
कितना सुंदर वातावरण, नीचे कोसी नदी ये कलकल करती और सामने बाबा का भव्य मंदिर। यह अंदर से ही आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं सुबह शाम, बहुत अच्छा वातावरण। यहाँ टॉयलेट भी बहुत क्लीन है और गीजर भी है, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा महंगा है। दोस्तों आप देख रहे हैं यह रेस्टोरेंट है, जहाँ मैं ठहरा हूँ ठीक उसके ऊपर यह रेस्टोरेंट बनाया गया, लेकिन यहाँ पे खाना बहुत महंगा है। जो दो रोटी और बहुत थोड़ा सा चावल लगभग 200 से 250 रुपए यहाँ वसूले जाते हैं और GST अलग से। दोस्तों मैं अलग से एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कैंची धाम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाह रहे हैं तो कृपया आप बाहर से प्रसाद लेके जाएं। वहाँ पर 4 लड्डू का प्रसाद लगभग 80 रुपए का मिलता है। यहाँ के लोकल निवासियों ने कैंची धाम को पूर्णतया कमर्शियल स्थल बना दिया है। दोस्तों यह मेरा अनुभव है और आप जब भी कैंची धाम जाएं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रख कर जाएं, आपको वहाँ असुविधा हो सकती है। जो श्रद्धालु पहले से जाते रहे हैं वह कैंची धाम में ना ठहर के नैनीताल या फिर अल्मोड़ा में ठहरते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा का यह अलौकिक धाम सब पर कृपा बनाए रखे। जय बाबा नीम करो।